मोगा दे कस्बा बागा पुराणा दे पिंड नथोके दे रहण वाले गुरदेव सिंह ने झारखंड विच होए ड्रैगन बोट नैशनल चैंपियनशिप विच सोने दा तगमा जित्तिया। दस दईए कि झारखंड के हजारीबाग विच 16 जून तो 18 जून तक ड्रैगन बोट नैशनल चैंपियनशिप विच 1000 मीटर की दौड़ विच सोने का तगमा जित्तिया। उन्हां दा वापस परतन ते पिंड वासियां वल्लों भरवां स्वागत किया गया। इस मौके कोच जसबीर सिंह अते जेतू खिडारी काफ़ी खुश दिखाई दिते। मैं ड्रैगन बोट के गोल्ड लेके आता जी। ये 14 जने होंगे जी, 2 स्पेयर होंगे, 12 जने प्लेयर होंगे जी। तो ये टीम वर्क हो जाता जी। आम ग्राउंड की बेहनत के होंगे गा भी अपन सह मिल जाता जी। इस स्टैमिने की ज़्यादा लोड पैंती है जी। तो इस मेहनत सारा दिन लग जाता जी। सानू सारा दिन बोट के वर्क करना पैंदा जिद कारण करके अज इस बुलंदी पर पहुंचे। ये हुई सी झारखंड हुई सी हजारिया बाग तलैया डैम से जी। नैशनल लैवल की सी। मैं 2018 के मोगा के रोइंग वाटर स्पोर्ट्स नू डिवेलप करने वास्ते एक बैड विडिया तो उस तो मेरे को बहुत सारे बच्चे तकरीबन 40 तो 50 बच्चे मेरे को अज वाटर स्पोर्ट काम कर रहे हैं। ये साढ़े को रोइंग होंगी है, ड्रैगन बोट होंगी है, कैकिंग एंड कैनोइंग होंगी है। तो यह कंपीटिशन जिहड़ा सीगा नैशनल लेवल का ड्रैगन बोट का सी, जिहदे 14 बंदे होंगे आ, 12 बंदे ये बोट चलाउंदे आ, 2 रिजर्व होंगे आ। तो ये असी नैशनल दे एतकी सिल्वर मैडल लैके आए हैं और बड़े माण की गल है कि जिहड़ा साडा मोगा है वो सारयां नूं अगे निकल रहा अज पंजाब दे विच। बाकी डिस्ट्रिक्टां दे बच्चे भी साडे कोल प्रैक्टिस करते हैं पर साडे कोल मोगा दे बच्चे बहुत ज़्यादा है जिहड़े प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्हां नूं बहुत मौका मिल रहा कि असी किसी भी ढंग तरीके दे नाल वाटर स्पोर्ट के उत्ते कब्जा करिए। क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स एक इहो जी गेम है, बहुत पावरफुल गेम है, पर इहदे विच जिहड़ा बच्चा एक वारी वड़ जांदा वह चाइयां जरूर छू जांदा। मेहनत बहुत हुंदी है, सारा दिन पानी दे विच बोटां नूं चलाउणा, रेस्ट तो बगैर अनब्रेक मतलब किसी भी रेस्ट नहीं होंगी ये बोट के बच्च। साडा तो यह है जी भी बाहर तो भुल जाओ, बाहर तो ना जाओ, बाहर जिंदगी वधिया नहीं हैगी। मैं अमेरिका के 10 साल ला के आया, वापस आके इत्थे हुण पंजाब का जनरल सैकटरी हाँ मैं, और मैं बच्चों रोकता कि बाहर ना जाओ। और दूजा जे इत्थे रहना है तो जे तुसीं स्पोर्ट्स के बच्चा तो नशा थोड़े नेड़े नहीं आता। जिहड़ा बच्चा ग्राउंड के 2-3 घंटे लाऊगा प्रैक्टिस करूंगा वह नशे नहीं ध्यान जाऊगा ही नहीं। वेखो वे कि थोड़ा पता मुंडे गलत पासे जाते, वेखो वे कि सही पासे जाते हैं। तो बहुत मन खुश है, बहुत चंगा लग रहा, काफ़ी मैडल लैके आए आ वधिया। इन्होंने मोगे जिले का नथोके पिंड का नाम वधिया चमकाया। ये मुंडा ये जी नैशनल लैवल की। तो बाकी गुरदेव मुंडा मेरे को सुबह भी ग्राउंड प्रैक्टिस करता, मेरा इतने कैंप लाया वा। होर भी मुंडिया बेनती है भी नशे पत्ते छड्डो, साढ़े को आओ इतने कैंप, सुबह साढ़ा 5:30 to 7:30 तक चलता है। तो यह भी मुंडा मेरे को भी ग्राउंड प्रैक्टिस करता। मैं चलो जिन्ना चेर थोड़े कोच साहब नहीं तुम जाते, थोड़ी शरीर से पावर पाने फिटनेस का हर एक चीज़ आ, तो बहुत वधिया लग रहा। सो कोच जसबीर सिंह अते कैला पहलवान का कहना है कि वाटर स्पोर्ट्स विच काफ़ी मेहनत करनी पैंदी है, इस चैंपियनशिप विच बहुत ज़्यादा ताकत की लोड़ हुंदी है, पर इन्हां नौजवानों की जित होरना नौजवानों नूं भी खेडां लई जुड़न लई प्रेरित कर रही है। मोगा तो सौरभ अरोड़ा की रिपोर्ट, ETV भारत।